व्यवस्था के जरिए ही बनेगा राम मंदिर। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील अयोध्या में राम मंदिर, जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू महासभा मध्यस्थता के लिए तैयार हो गई। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता के लिए बकायदा 3 नाम सुझा दिए हैं। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस J.S. खेर और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज A.K. पटनायक का नाम बताया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट नाम तय करेगा और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से नजर कोर्ट पर आ गई है। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई कर रही 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 26 जनवरी को हिंदू मुसलमान पक्षों को बीच मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रस्ताव दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की 1% भी उम्मीद है तो कोशिशें होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मध्यस्थता के जरिए नाम भी सुझाने के लिए कहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आप मध्यस्थता से मंदिर निर्माण का रास्ता निकलेगा? क्या आपसी बातचीत से राम मंदिर का मामला सुलझ पाएगा? क्या मध्यस्थता से अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उसमें यशवीर राणा जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजय गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। जितेन चौधरी हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ से दो मेहमान जुड़ेंगे, मथीन खान मुस्लिम पक्षकार, और साथ ही साथ शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हिंदू पक्षकार जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। 3 नाम सुझाए गए हैं निर्मोही अखाड़े के तरफ से भी, और ये तीनों नाम रिटायर्ड जस्टिस जोसेफ साहब हैं, पूर्व जज A.K. पटनायक हैं, पूर्व जज G.S. सिंधवी साहब हैं। यानी कि मध्यस्थता की बात की जाएगी। अब हिंदू पक्षकार से शुरुआत करेंगे। शिशिर चतुर्वेदी जी, मध्यस्थता कबूल है? नहीं। निर्मोही अखाड़े को कबूल है सर? आवाज आ रही है चतुर्वेदी जी? हिंदू महासभा का 1961 से आज तक का एक स्टैंड है कि जो अदालत फैसला करेगी उसको हम लोग मान्यता देंगे, हम उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं चाहते हैं। अदालत कह रही है आप मध्यस्थता करिए? उस समय को टालने के लिए कह रही है, समय और टलेगा। सैकड़ों सालों से मामला इसी तरह पेंडिंग है, जब फैसले की स्थिति आती है तो मध्यस्थता की बात है। 5 बार मध्यस्थता का मामला आ चुका है, विफल हो चुका है, तो बार बार मध्यस्थता की क्या जरूरत है? जो सबूतों के आधार पर जो फैसला देगी हिंदू महासभा उसको स्वीकार करेगी और देश के हिंदू जनमानस स्वीकार करेंगे। निर्मोही अखाड़े ने तो बकायदा 3 नाम दे दिए सर। जहाँ पर समझौते की बात आती है तो हिंदुओं के कई पक्षकार हैं, मुसलमानों के कई पक्षकार हैं, तो वो एक हो नहीं पाते हैं, तो केवल समय टलता है और इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता हिंदू। तो निर्मोही अखाड़े ने तो दे दिए सर 3 नाम। एक भी पक्षकार अगर विरोध करेगा तो उसको जो है कोर्ट मान्यता नहीं दे सकता। जितेंद्र नागर जी वो कह रहे हैं कि अदालत के मामले को आगे टालने के लिए सब कुछ हो रहा है। ओके ओके चतुर्वेदी जी, हिंदू महासभा इसमें आया है। ओके आऊंगा आऊंगा सर आपके पास, एक सेकंड। मामले को टालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, यदि ये चाहें तो फैसला आ सकता है। कौन चाहे सर? सरकारें चाहें सर, सरकार तो पक्षकार ही नहीं है इसमें। नहीं, सरकार पक्षकार नहीं है, तीनों लोग चाहें फैसला अभी जो कंप्रोमाइज कर लें आपस में, कंप्रोमाइज करने के बाद। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पूछिए मतीन खान, तैयार है आप? कबूल है भाई? हम तो ये चाहते ही हैं कि बाकायदा ये जो मध्यस्थता है ये होना चाहिए। मध्यस्थता होकर ही बाबरी मस्जिद बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती। मध्यस्थता होकर क्या बन सकता है सर? बाबरी मस्जिद बनेगी। किसने कहा भाई? कोर्ट के डायरेक्शन है, मुस्लिम पक्षकारों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि बाकायदा अगर बातचीत होती है तो अच्छी बात है। ये किसने कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी? बनेगा तो ये मध्यस्थता से ही बन सकता है। मतीन खान, कोर्ट किसने कहा बाबरी मस्जिद? हमारा पक्ष है, हम बाबरी मस्जिद को चाहते हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई नहीं, शहीद हुई। अच्छा, बाबर कौन था? अरे अब आप बाबर को क्यों लेके आ गए? शाहजहां कौन थे? आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, मैं पूछ रहा हूँ बाबर कौन था? मतीन खान, बाबर एक लुटेरा था।
एक सेकेंड शिशि चतुर्वेदी जी, आप इतिहास जानते हैं, वो भी जानते हैं, प्रभुता को लूटने आया था। एक सेकेंड मतीन खान, वो बाबरी मस्जिद का जिक्र जो आपने किया, वो बाबर कौन था ये बताइए। हाँ, कौन था, कौन था आप बता दीजिए, हमें नहीं मालूम, आप बताइए। आप बाबरी मस्जिद नाम ले रहे हैं तो यही नहीं मालूम कि बाबर कौन था आपको? शाहजहां कौन थे, अकबर कौन थे? अरे साहब, जिसका नाम लिया आपने, अकबर कौन थे? बाबर लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, बाबर हथियारा था, जो सच्चाई है उसने आके जमीनों पर कब्जा किया। मेरी नजर में इतिहास में नहीं ये पढ़ा, आप बताइए, आप बताइए, मतीन खान बाबर कौन था? मतीन खान बाबर कौन था? मतीन खान बाबर कौन था? अकबर की बीवी के बारे में नहीं बात करेंगे। मतीन खान बाबर कौन था? मतीन खान बाबर कौन था साहब, बता दीजिए, आराम से पूछ रहा हूँ सर। बाबर कौन था? तुलसीदास जी कौन थे? मतीन खान जी थे। मतीन खान बाबर कौन था? रामचरितमानस लिखी सरयू के तट पर। साहब साहब साहब, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ बाबर कौन था। तुलसीदास के सबूत में आपको देने नहीं बैठा हूँ, लेकिन बाबर के सबूत देने के लिए आप मुझे यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर कौन था? मतीन खान भूमि थी, उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर जो है राम जन्मभूमि थी। मतीन खान, मैंने आप मतीन खान सबूत है आपके पास, कोर्ट में चले जाइए ना, ये रजिस्ट्री बाबर ने मेरे नाम पर रजिस्ट्री की थी, इसलिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनेगी, तो है मतीन खान सबूत, देख लीजिए ना। मतीन खान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाबर कौन है, बता के मेरे रजिस्ट्री मौजूद है सारे। मतीन खान, मतीन खान, आई चैलेंज यू, बाबर कौन था आप बताइए इतिहास। सुप्रीम कोर्ट में है, जब पार्टी नहीं है तो ये कैसे साबित होगा? एक सेकेंड, आप पढ़िए इतिहास, आप पढ़िए, बताइए। मतीन खान, इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए ना, जिस बाबरी मस्जिद पे आप क्लेम कर रहे हैं वो बाबर कौन था वो तो बताएंगे साहब। नहीं, हमको तो सब मालूम है, आप भी तो बता दीजिए, आप बता दीजिए अकबर की बीवी कौन थी। मैं पूछ रहा हूँ बाबर कौन था, आप अकबर पे पहुंच गए, बाबरी मस्जिद बनाएंगे वहां, अकबर का किला बनाएंगे वहां, क्या बनाएंगे? हाँ तो बताइए, तो मैं बताऊंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, राम थे के बाबर थे, मतीन खान, हाँ प्लीज, मैं बहुत सारे सबूत आपसे मांगूंगा, आप दे नहीं पाएंगे, प्लीज 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 मतीन खान, आप डिबेट को डिटेल कर रहे हैं, प्लीज, हो गया, हो गया मतीन खान, जरा गूगल में पढ़ लीजिए बाबर के बारे में, इतिहास पूरा है। हाँ, बाबर का इतिहास पूरा है साहब, खिलाफ नहीं मुकाबला करते हैं शिवाजी, क्या शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ पूरा अपनी जिंदगी? मतीन खान, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, और आप कृपया करके किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाए, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश भी और सलाह भी है और चेतावनी भी है साहब, समझ लीजिए इस बात को। ओके, हो गया मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, प्लीज प्लीज स्वामी, प्लीज मतीन खान, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतीन खान राम जी को वहां पर जो है मतीन खान मंदिर तोड़ करके मतीन खान गया। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत सारे सबूत आपसे मांग सकता हूं, लेकिन प्लीज, मेरा भी एक दायरा है और मैं उस दायरे को क्रॉस नहीं करना चाह रहा, आप समझ रहे होंगे, इसलिए इसलिए प्लीज किसी की धार्मिक आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। मैंने सिर्फ बाबर का इसलिए पूछा था क्योंकि बाबर का क्लेम आपने किया था। ओके, आप समझ जाइए, प्लीज प्लीज मतीन खान, प्लीज, हो गया, किसका हो गया, बाबर का इतिहास पढ़ना तो पढ़ लीजिए गूगल में, आ रहा हूं आपके पास, हाँ उपलब्ध है। यशवीर राघव जी, एक बात बताइए सर जी, यशवीर जी जी, मध्यस्थता से सुलझेगा ना रास्ता? देखिए तिलक जी, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुनाए, क्योंकि देश के ही नहीं विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कार का प्रतीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस मामले को लटकाना चाहती हैं, और वो ताकतें आपको भी जानकारी है, सारे पब्लिक डोमेन में है किस प्रकार से ये ताकतें प्रयास कर रही हैं कि मामला लटकता रहे और इस पर सुनवाई ना हो, क्योंकि इसमें हिंदू पक्ष का इतना मजबूत पक्ष है कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट में हमारे राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में फैसला आया, और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन निर्णय पक्ष में ही आएगा, लेकिन आप देखिए आज के जो निर्णय है, आज के उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई थी, उस दिन की चर्चा नहीं हो पाई। राजीव धवन ने बाकायदा डिमांड करी सुप्रीम कोर्ट में हमारे 5 जजों के सामने कि मैंने जो अभी ट्रांसलेट हुआ है उर्दू से हिंदू वो पढ़ा नहीं है, 18 महीने से वो ट्रांसलेशन रखा हुआ है, और जो मुस्लिम पक्षकार के वकील है राजीव धवन, पूर्व कांग्रेसी नेता,
वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ानी है, मुझे उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए अलग समय मांग रहे हैं। आज वो कहते हैं कि भी पिछली जनवरी में जो उन्होंने मांग की कि भाई सुलह हो जाए, बैठ के हम सुलझाना चाहते हैं, उसकी डिमांड की। तो आज निर्णायक मंडल ने, हमारे जजेस ने, कुल मिला के मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा ना आपको? मुझे ये लगता है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, मध्यस्थता से अगर रास्ता निकलता तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से इसका विभाग बनाया था। यानी आप मध्यस्थता का विरोध कर रहे हैं? मैं मध्यस्थता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर मध्यस्थता से रास्ता निकलता तो पहले निकल जाता तिलक जी, मैं इस बात का कह रहा हूँ, ये सिर्फ लटकाने की बात है। अटल जी नहीं करवा पाए तो फिर मोदी कैसे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा विभाग बनाया गया, प्रयास किए गए, 2017 में भी प्रयास किए गए, 2016 में प्रयास किए। अगर ये फैसला अयोध्या विभाग के नाम से 2002 में विभाग बनाया गया था, साढ़े चार साल में कौन सी पहल हुई है सर? अरे साढ़े चार साल में तिलक जी कोर्ट में केस चला हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं? एक पहल बताइए ना सरकार की तरफ से। कमाल है, साढ़े चार में पहली पहल कर रहे हैं हम, कर क्या नहीं रहे? कमाल की बात कर रहे हैं हम। हमें जब सितंबर 2017 में 2018 में जब बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम 64 कोर्ट ने उससे पहले उससे ये हमें कहा था कि हम तिलक जी, तिलक जी हमें विश्वास था कि पक्ष में, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। राम विश्वास नहीं है? राम अब नहीं है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 64 एकड़ पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, सिर्फ हम अब टाइटल सूट पर फैसला सुनाएंगे। इसके बाद हमने खुद डिमांड की राम मंदिर तिलक जी हमें रजिस्टर्ड कर दीजिए, राम मंदिर हमें रजिस्टर कर दीजिए। फिर किस हाथ आप क्लेम कर रहे हैं आप? जब हमने तो नहीं क्लेम किया, हमने तो क्लेम नहीं किया, ये भी आप लोग बता। भैया हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा कौन सा प्रयास? साढ़े चार साल में एक प्रयास तो बताइए सर। बता रहे हैं ना, प्रयास लगातार प्रयास किया जा रहा है, तभी तो आज चर्चा, ये चर्चा हो रही है। तभी तो चतुर्वेदी बैठे हुए साहब, वो हिंदुत्वकार है, वो जा रहे हैं कोर्ट में, बीजेपी का कोर्ट। हां तो बीजेपी नहीं है, लेकिन बीजेपी उसका, बीजेपी ने जो बड़ा आंदोलन किया उसका नेतृत्व किया, बीजेपी नहीं है पक्षकार। मैं कह रहा हूं बीजेपी नहीं है पक्षकार वो। ओके चतुर्वेदी जी, जल्दी बात करिए, फिर संजय जी आपके पास आ रहा हूं। ओके, क्या बोलना चाह रहे, जल्दी बोलिए। ऐसा के विकास भाई, ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बसपा, कोई भी राजनीतिक दल इसमें मुकदमे पक्षकारी नहीं है। 10,000 पन्नों का जजमेंट इसमें आया, 1961 से एक बात राजनीतिक दल इसको लड़ता चला आ रहा है। और हमारा सीधा सीधा स्टैंड है, चैनल पे बात बैठ के बात करना अलग है, और मुकदमे में जाके वहां पैरवी करना, रुपए पैसे लगा के हम लोग मेहनत करके सब उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक ही बात इसमें सत्यता है कि वहां पर राम की जन्मभूमि है, और वहां पर केवल राम का भव्य मंदिर के अलावा और कोई वार्ता का वो नहीं है। अदालत जो भी तय करेगी उसको हम पूरी तरीके से मानने को तैयार है। और इसमें एक बात और जोड़ दे देता हूं कि कांग्रेस जो लगातार कांग्रेस है, जो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये राम के लिए इन्होंने एफिडेविट दिए थे कि राम तो थे ही नहीं, तो इनका तो राम जन्मभूमि से कोई मतलब ही नहीं है। तो इनको तो डिबेट में बैठाना ही चाहिए राम के मुद्दे पे, इनका सीधा स्टेट है। और बल्कि ये जो अफगान लाते हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर पे का ताला खुलवाया, पूजा का आदेश कराया, और जबकि जस्टिस तिलहरी और जस्टिस पांडे ने दोनों आदेश दिए। ओके ओके ओके, बहुत देर से वेट कर रहे हैं संजय जी, एक सेकंड, एक सेकंड, आप सत्ता पक्ष सुन लिया, गलत बातों का दुष्प्रचार के जनता इस पे रोक लगानी चाहिए। एक सेकंड संजय जी, आपको लगता है कि जब राजीव गांधी नहीं करवा पाए, चंद्रशेखर नहीं करवा पाए, पीवी नरसिम्हा राव नहीं करवा पाए, तो मोदी जी करवा देंगे? अटल जी भी नहीं करवा पाए, वो सरकार थी उनकी। एक सेकंड, आपको कुछ दिक्कत होगी, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगा। ओके बोलिए संजय जी। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा और संजीदगी से भरा सवाल पूछा है, और देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक फ़र्क है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप में क्या फ़र्क है और इस मुद्दे को लेकर के क्या डिफरेंसेज हैं। कांग्रेस के कभी एजेंडे में इस तरह का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना हमारे एजेंडे में नहीं रहा। हमने देश के विकास की बात की है, हमने डेवलपमेंट की बात की है, और चीज़ों पर बात की है। हमने कोई भी सत्ता के अंदर जो पार्टी होगी वो मदद कर सकती है, मगर उसका एजेंडा नहीं हो सकता। मगर भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर 25 सालों से ये एजेंडा है। इन्होंने हर मैनिफेस्टो के अंदर 5 से 6 लोकसभा के चुनाव में, और मैं समझता हूँ बीसीओ विधानसभा के चुनाव में, इसका प्रयोग किया। अरे भाई साहब, आप ये तरीका नहीं है। चतुर्वेदी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, आप ही के पास आऊंगा। कुछ नहीं कहा मैंने, एक सेकंड, एक सेकंड संजय जी, बात मेरी विनती क्या है, मैं ये कहता हूँ ये हमारा एजेंडा नहीं था। मुद्दे पे हो रही है, जिस मुद्दे पे उस पे बोले ना। एक सेकंड सर, जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए ना। हाँ, एक सेकंड देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इन 25 सालों में जब ये मुद्दा था, 11 साल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, 4.5 साल नहीं थी, इससे पहले भी 6 साल सरकार रही है आपकी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपका एजेंडा था और आज आपका पूर्ण बहुमत था, एक मिनट भाई साहब मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, 60 में से 57 एकड़ जमीन एक्विजिशन होने के बाद सरकार के पास रखी हुई है। क्यों उस जमीन का अगर वो ये चाहते हैं कि इसका सॉल्व हो जाए,
आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इसमें बैठे हुए लोगों को किसने रोका था वो जमीन अलॉटमेंट के लिए, पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा निवेदन मेरा ये है, आज झगड़ा है 2.77 एकड़ के ऊपर, इसके ऊपर विवाद है, चल रहा है, और मैं समझता हूँ हम लोगों को इतनी पेशेंस रखनी चाहिए, केवल एक चुनाव के पीछे क्योंकि आ गया है तो इसको हम इशू बना दें। मैं कहना चाहता हूँ देश के अंदर बिल्कुल हर आदमी को जल्दी है, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी जल्दी है, मैं मेरी भी आस्था राम के अंदर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर भगवान राम आस्था का विषय है, राम जन्मभूमि आस्था का विषय है, मगर इस विषय को अगर कोर्ट डिसाइड कर रहा है तो उसको अपने तरीके से हमें कर देना चाहिए। उस पर बार बार क्लेम ये बनाए कि तुरंत हो जाना चाहिए, कल हो जाना चाहिए, आज ही कर देंगे, 5 साल से अच्छा, पहले कर देंगे, अध्यादेश ले आएंगे, फिर नहीं लाते हैं। ये चुनाव से पहले होना चाहिए, चुनाव के बाद होना चाहिए? नहीं, जरूर पहले, कल ही हो जाना चाहिए, कल सुबह हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ इसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको मिलना चाहिए, और इसके अंदर बताइए क्या इतराज है इस देश के अंदर। आप कह रहे हैं आपके एजेंडे में नहीं, हरीश रावत का बयान आया कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे। नहीं, जब जिस तरह की छद्म राजनीति इस देश में चल रही है, मंदिर का के मामले बनाएंगे मंदिर, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ साहब, पहले अब वही बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कल हम क्या करेंगे। हरीश रावत आपके, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी की बता रहा हूँ साहब, चावला साहब आपका सटीक जवाब दूंगा। मैंने पहले भी कहा कि किसी सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं हो सकता, इस देश के संविधान में लिखा गया है, मगर उसके अंदर चलिए, नहीं हरीश रावत जी ने कहा कि उस समय के अंदर जब हमारी सरकार होगी ये मंदिर बनेगा, क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। अच्छा, और ये रोड़ा ये अटकाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी सरकार के एजेंडे में क्यों 57 एकड़ जमीन ये अलॉट नहीं करते हैं, बता दीजिए। एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास, आपने कहा राम मंदिर, मंदिर किसी सरकार के एजेंडे में नहीं आता, बड़ी कंफ्यूजन है, एक सेकंड मैनिफेस्टो में दिया था। ओके संजय जी, ओके, यानी मैं ये मान लू ना, सोमनाथ मंदिर का क्लेम जो आप लोग करते हैं वो गलत करते हैं। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि नहीं, हमने कभी नहीं, हमने बनवाया जनाब, एक मिनट, मैं फर्क है, मैंने कभी, हमने कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे, ये एजेंडा हमारा नहीं था। आप ये कहते ना कि सरकार का नहीं, हमारे समय में बना, हमारे जब हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार थी जब बना, और ये जो आप बात कर रहे थे राजीव गांधी जी की, जब ताला खुला उस समय पे राजीव गांधी जी शासन में थे, हमने ये कहा राजीव गांधी जी ने जाके ताला नहीं खोला है, और ना मेरा एजेंडा था कभी। एक सेकंड मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो ईश्वरी जी आपके पास आऊंगा और पूछूंगा कि आखिरकार सरकार की ओर के मध्यस्थता के लिए क्या किया गया। और सवाल ये बड़ा इसलिए है क्योंकि क्या वाकई में आप लोग चाहते हैं कि चुनाव के वक्त टाइमिंग अच्छी है और ऐसी टाइमिंग पर फैसला हो जाए तो अध्यादेश की बात भी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
जो यहाँ मंदिर का मध्यस्थता मार्ग, सवाल यही कि आखिरकार क्या मध्यस्थता से ही निकलेगा मंदिर का रास्ता, मंदिर निर्माण का रास्ता। आपको बता दें कि हमारे साथ यशवी राघव जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, संजय गुप्ता कांग्रेस की ओर से, जितेंद्र नागर हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, मतीन खान हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम पक्षकार, और शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू पक्षकार। अब एक बात बताइए राणा जी, मध्यस्थता की बात कोट कर रहा है, आखिरी विकल्प है? देखिए मैंने पहले जब पूछा, जब भी आपको बताया कि मध्यस्थता विषय अलग है, राम मंदिर का निर्माण श्री राम भूमि जन्म न्यास और संत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता निर्माण के प्रति है और सही हो गए, और केंद्र सरकार जितने भी उसके बीच अवरोध आएंगे, कष्ट आएंगे, उनका हटाना केंद्र सरकार का जिम्मे है। अच्छा, मतलब कोर्ट के रास्ते के बाद जो कुछ होगा वो आप सरकार करेगी, कोर्ट का निर्णय तो आने दीजिए। गुप्ता जी मैं पूरी बात कोर्ट का आपको याद दिला रहा हूँ, बताइए, क्योंकि डिबेट कर रहे हैं ना। जी जी बताइए, कसम राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे, आज भी कहते हैं कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं नहीं सर, फिर वही कहेंगे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कितने नारे लगाएंगे आप? तिलक जी हमको याद, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नारे नहीं, तिलक जी मंदिर वहीं बनेगा, मध्यस्थता आखिरी विकल्प है। मध्यस्थता मैंने पहले भी कहा, मध्यस्थता के मध्यस्थता से पहले भी 3-4 बार प्रयास हो चुका है, सिर्फ लटकाने का काम है। प्रयास सर बताइए ना, मेरे को तो मालूम नहीं सर, दो बार बता दिया हुआ, 2017 शंकर आपके एजेंट थे क्या? आप एक बार एक शंकर आपके एजेंट थे क्या? कौन? श्री श्री रविशंकर, रविशंकर हमारे नहीं थे लेकिन उन्होंने प्रयास किया, तो लेकिन आपने कौन सा प्रयास किया? मैं वही भारतीय जनता पार्टी, अब समझ नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी ही नहीं है तो हम अपना कैसे, तो हम सुनिए, इसका मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते कि भैया राम मंदिर हमारा मुद्दा, आप पत्रकार नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध सर, आप दोनों में से एक व्यक्ति बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, उसके एजेंडे में है सर मंदिर बनाएंगे, मंदिर के बीच में आने वाले गतिरोधों का अवरोधों को सरकार करने का प्रयास की। अरे जब हम पार्टी नहीं है तो हम अपने पक्षकार कैसे रख सकते हैं कि भाई ये मध्यस्थता होता? दूसरी बात, क्या तो आज ही पता लगा कपिल सिब्बल हमारी पार्टी में, बीजेपी की माननीय गुप्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2019 के बाद इसका फैसला किया जाए, राजीव धवन बीजेपी के, राजीव धवन पूर्व कांग्रेसी नेता, जो लगातार इस मामले में चाहिए, जो इस राम मंदिर बनेगा कोई और नहीं है, कांग्रेस बात कर रही है, पार्टी आरएसएस के लोग राम द्रोही हैं, कांग्रेस भैया जिसने काम को अगर किसी ने बिगाड़ा है, एफिडेविट किया था, राम होता ही नहीं है, राम होता ही नहीं है, राम क्यों काबिल मंदिर मानी लगाया आपने, सोनिया गांधी के मंदिर आपने वहां पे नहीं लगाया, आपने पहले नेतृत्व में वाकायदा वहां पे हेनिंग नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं आप सरकार में? बताइए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया कि राम है? आप बताइए इस्तीफा दे दीजिए ना, तो नहीं है कांग्रेस, आप अपना इस्तीफा दे दें, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, आप राम के नाम को खाते हैं, आप 500 रुपए की पेंशन देना चाहते हैं संतों को, आप ब्राइब करना चाहते हैं, आप रिश्वत देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सोनिया गांधी के, अरे भैया 5 साल आपने ये निकाली है, 6 साल पहले निकाली है आपने, एक इटालियन बात कर रहे हैं आप, इसका बदला लेगी देश की जनता। एक सेकंड कपिल सिब्बल के कहने पर कोर्ट ने क्या तारीख आगे बढ़ा दिया? प्रयास तो किया पत्रकार के वकील, राजीव धवन ने प्रयास तो किया लटकाने का, कांग्रेस कहां से आती है? प्रयास तो किया। एक सेकंड, मैं आपकी भूमिका पूछ रहा हूं सर, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी कवायद में आपकी भूमिका क्या है? अब मुझे बात, मेरे को भूमिका, कोई बीच में नहीं बोलेगा, भूमिका बताएंगे आप। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, हमें पूरा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा हमारे पक्ष में आएगा, हम लगातार इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, पूरी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम इंतजार करेंगे, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन जब सितंबर 2018 में जब क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम उस 62 एकड़ भूमि पर कोई हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ जो विवादित मामला है 0.313 एकड़ का, उस पर हम निर्णय करेंगे, उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली कि भाई इसको फ्री किया जाए, जिनकी ये जमीन है उसको किया जाए, हम निर्माण शुरू करेंगे, जो जिनकी जमीन है वो लोग निर्माण शुरू करेंगे, राम जन्मभूमि न्यास की उसमें 42 एकड़ जमीन है, उनको हम जो हमने नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1993 में उसको एक्वायर कर लिया था, उसको फ्री करने के लिए हमने अपील किया, प्रयास तो हम कर। दूसरी बात, योगी जी की सरकार ने आते ही आप लगातार आप देखिए इंतजार करते रहे कि उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है हिंदी में, योगी जी की सरकार ने आते ही 4 महीने के अंदर ट्रांसलेशन सौंपा है सुप्रीम कोर्ट को, जब जाके चीजें आगे हुई हैं, नहीं तो कोई चर्चा ही नहीं थी इस केस की, आज आप डिस्कशन कर रहे हैं इतने बड़े चैनल में, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजें आगे बढ़ी हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं था। एक सेकंड यशवीर जी, एक सेकंड
तो यानी बीजेपी को 100 में से 100 नंबर देने चाहिए राम जन्मभूमि। हम नंबर नहीं मांग रहे हैं सर, आप तो क्लेम कर रहे हैं। तिलक जी हम नंबर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन राम जन्मभूमि हमारी आस्था का विषय है। रामलला हम आएंगे, मंदिर हमारा आस्था का विषय है, हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। मंदिर वहाँ बनेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, संकल्प के साथ खड़े हैं। हम नंबर नहीं मांग रहे हैं सर, आप ही बनाएंगे राम मंदिर, ठीक है सर? एक सेकंड, बना रहे हैं अभी तक एक ईंट लगाई नहीं सर 4.5 साल में। वो देश देख रहा है कितने प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट में कैसी बात करते हैं तिलक जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनका इतने वरिष्ठ, आप सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, कैसे ये लगा दें? आपने तो बताया अपने एजेंडे में, हमने अपना पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध है, मंदिर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा मंदिर वहां बनेगा। आपने बताया था कि भैया वोट दीजिए हम बनाएंगे राम मंदिर, आज भी कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध है मंदिर वहां बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, के फैसले का इंतजार करेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का तो इंतजार करना पड़ेगा, वरना यही लोग कह देंगे कि हमने, सुनिए आप एक महीने पूरी बात कर लेता हूँ तिलक जी, आपने कहा कि आपने एजेंडे में लिखा, आपने उसमें मेमोरेंडम में लिखा, भैया उसमें आप पूरी लाइन पढ़ लीजिए, मैनिफेस्टो में लिखा, आप पूरी लाइन पढ़ लीजिए, संविधान के अनुसार बनाएंगे, ये नहीं कि पूरा लिखा है, निकालिए मैनिफेस्टो ऑनलाइन, मैं पढ़कर आया हूं, संविधान के दायरे में बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, ओके, संविधान का दायरा, क्या संविधान का दायरे में, संविधान के दायरे में, बोलिए बोलिए गुप्ता जी आप, मैं समझ गया, मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, समझ गया, सन 65 के अंदर दीनदयाल उपाध्याय साहब ने कहा था कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, आप कह दीजिए आप दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मानते, उन्होंने कहा कौन सी बात ले आते हैं देश के संविधान को नहीं मानते, देश के संविधान के लिए आपके नेता ने क्या कहा बता रहा हूँ, सुनो उसके आगे बता रहा हूँ, अनंत कुमार जी ने कहा, सोनिया गांधी जी बात कर रही है, किसने कहा कि राम मंदिर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, आज राम की बात करो, राम की बात करो, सोनिया गांधी इटालियन ने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम कुछ नहीं है, एक ड्रामा था, हम तिरंगे को देश का देश फालतू की बातें कर रहे हो आप, तो आप तिरंगे के लिए जान दिए, आप संविधान को मानते हैं, के लिए जान दिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, संविधान को, अरे इस देश के तिरंगे के लिए जान दिए मुखर्जी जी ने, एक जितेंद्र चौधरी इन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर जो है ये फैसला लिया जा सकता है, और वही हमने कहा था, अध्यादेश संविधान के दायरे में आता कि नहीं आता, आता है ना सर, हाँ आप अपनी बात पूरी करिए, ओके एक सेकंड यशवी, यदि अध्यादेश लाके ये कभी बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि मामला इन्होंने लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में, यदि नहीं ये पक्षकार नहीं है सर, जी आप गलत, बीजेपी पक्षकार नहीं है, बीजेपी पक्षकार नहीं है, तो नहीं जब तक अध्यादेश ला सकते हैं ये सरकार है, नहीं आप ये बोलिए पक्षकार है, पक्षकार वो बैठे हुए वहां पर, वो बैठे हुए सर, यदि ये पक्षकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, वकील साहब पक्षकार नहीं है तो क्यों वेट कर रहे हैं इसका जो है, देखिए वकील साहब आप थोड़ा सा उसमें स्टडी कर लीजिए, 3 तलाक का इंतजार किया था क्या, थोड़ा स्टडी कर लीजिए, जब तक 3 तलाक का इंतजार किया था, दोनों बातों का जवाब आपका इंतजार नहीं, दोनों का बात इंतजार नहीं किया, वकील साहब आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, उसमें 3 तलाक का जवाब दे रहे हैं, उस जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम अध्यादेश आप पक्षकार नहीं है तो कैसी अध्यादेश लेकर आइए, कोर्ट में बना सकते हैं कभी, कोर्ट में फिर अपील हो जाएगा, आप जानकारी लीजिए थोड़ी, वकील साहब मुझे, मैं लॉ नहीं पढ़ा लेकिन मैं इसका स्टडी करके आया हूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस है मंदिर बना सकते हैं, नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा है तो अध्यादेश नहीं आ सकता, 3 तलाक का आपने तिलक जी जिक्र किया, 3 तलाक पर अध्यादेश जब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया कि 3 तलाक को खत्म कीजिए, ये भारतीय महिलाओं का, भारतीय मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है इसके माध्यम से, तब जाके अध्यादेश आया, एक सेकंड मुद्दा थोड़ा डिरेल हो जाएगा, मैं अभी उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन संजय गुप्ता एक बात, एक कंफ्यूजन दूर करिए, फिर मतीन खान आप ही के पास आ, नाराज मत होइए मतीन भाई, मुझे एक कंफ्यूजन दूर करिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं हो सकता, कांग्रेस का एजेंडा मंदिर बनाना नहीं है, ठीक है, मगर उसमें अड़चन अड़ाना, रोड अड़ाना भी हमारा काम नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद भी बनाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, देखिए फिर वही बात है कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम इस पर बात करना नहीं चाहते, हम देश के डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, और सुनिए संविधान की जो बात ये कर रहे थे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, संजय गुप्ता जी कंफ्यूज कर जवाब दिए 1992 में, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस अरे भाई साहब आप किसी, अरे और किसी को तो बोलने दीजिए भैया, एक सेकंड गुप्ता जी कंफ्यूजन है, मैं कुछ और एक और बात कह रहा हूँ सर, नहीं पहले एक कंफ्यूजन दूर करें ना सर, मंदिर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हरीश रावत गलत बोल रहे हैं इसका मतलब, सर देखिए उन्होंने, हरीश रावत ने कभी नहीं कहा कि मंदिर हम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार जाएगी, कांग्रेस की आएगी जब ये मंदिर बन पाएगा, ये कहा उन्होंने, ये नहीं कहा बनाएंगे, और मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल हमने नहीं कहा कि हम बनाएंगे, ओके ओके, और उसका क्रेडिट भी हम लेना नहीं चाहते, ओके ओके, नहीं सर क्रेडिट आप लीजिए ना, नहीं ये मांग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए इस तरह का क्रेडिट, एक सेकंड एक सेकंड, इस तरह का झूठा क्रेडिट नहीं चाहिए, ये झूठ बोलने की मशीन है, ये गणेश को दूध पिलाने वाले लोग हैं, एक सेकंड सर एक सेकंड, इनको गणेश के दूध पिलाने से ये ये रूमर फैलाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले सजो को दूध पिलाने से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या मतीन जी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, क्या मतीन जी जुड़े हुए हमारे साथ,
जी मतीन भाई, यस हाँ, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो ठोक बजा के कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं और उस वक्त भी कहते थे और आगे भी कहते रहेंगे, सही है। अब दूसरी बात, संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम कोई विरोध नहीं करेंगे, पर इनके वकील जाके विरोध करेंगे। ओके, एक सेकंड मतीन खान अब बताइए सर। जी बताइए सर। अब मैं क्या बताऊं, आप बताएंगे ना सर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं विरोध नहीं करेंगे। अब तो मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो आपने बहुत हमको आपने तो हमको डिटेन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है या नहीं है? और ये मध्यस्थता का जो मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा है कि मध्यस्थता कर ली जाए, तो मध्यस्थता के जरिए से ही बाबरी मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। बाबरी मस्जिद का निर्माण इंशाल्लाह सबको मिला करके, सबको साथ में बिठा करके और सबकी सहमति से ही मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा मतीन भाई एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? जी मस्जिद बनाना इजाजत है इस्लाम में? कब्जे की नहीं, आक्रमण करके कब्जा कर गया सर। वो बाबर का इतिहास नहीं बता रहे तो मैं मस्जिद को कभी भी कहीं पर भी मस्जिद पे हम कब्जे की जमीन पे मस्जिद नाजायज जमीन पे मस्जिद का निर्माण ही नहीं करते, यही तो मेरा दावा है। हमने कोई भी वहां पे मंदिर नहीं तोड़ा है, हमने कोई भी जन्मस्थली नहीं तोड़ी है, वहां पर पाक और साफ जगह पे मस्जिद का निर्माण कराया है। 1857 तक के मुस्लिम इंजीनियर आप देख लीजिए 1528 से लेकर के और 1857 तक के कोई दावेदार नहीं रहा। उससे पहले बहुत बार हो चुका है, कभी किसी ने भी जो है ये नहीं कहा, बड़े बड़े महंत गुजरे हैं, बड़े बड़े सूफी गुजरे, किसी ने नहीं कहा कि राम जन्मभूमि को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1857 की गदर के बाद ही ये इशू आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? उससे पहले तारीख में कहीं कोई हिस्टोरियन आप बता दिए 1800 ईस्वी से पहले कोई हिस्टोरियन को जोड़ना चाहता हूँ भैया, 1528 में कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था, राम मंदिर मस्जिद निर्माण हुआ इतनी दूर जहाँ कोई मुसलमान रहते नहीं थे, 2% मुसलमान रहते थे, आवश्यकता क्या पड़ी बाबर को वहां जाकर अपने सिपहसालार को भेजकर मस्जिद बना? दूसरी बात, पूरी बात 2003 में मेरी बात सुनिए सर, ये कहां से कोई तर्क आ गया कि राम वो तर्क नहीं है, मुसलमान बहुत मानते हैं ना खान साहब, कोर्ट को तो मानते हैं आप, मैं बड़े आदर से पूछ रहा हूँ, कोर्ट को मानते हैं ना? 2003 में हाई कोर्ट नहीं मानते सुनिए खान साहब, 2003 में हाई कोर्ट ने आदेश किया जब अटल जी की सरकार थी कि पुरातत्व विभाग के द्वारा उसकी खुदाई की जाए, उसमें चेक किया जाए कि है क्या इस मस्जिद के नीचे जो तथाकथित ढांचा है उसके नीचे क्या था, वाकई में मस्जिद ही था या क्या था, तो वहाँ क्या निकला था, हाई कोर्ट ने वो चेक नहीं किया क्या, उसके आधार पर निर्णय नहीं दिया क्या, 67 खम्भे निकले थे राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर के 67 खम्भे, हवा में मत चलाइए खान साहब, मत चलाइए हवा में, बाबर के बारे में आप बोल नहीं सकते, बाबर के लिए आपके पास इतना सम्मान है, बाबर को आप एक आक्रमणकारी बोलना नहीं चाहते, कैसे
भारतीय हैं। अरे बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया था, हजारों मंदिरों को लूटा था, और आप कह रहे हैं कि बाबर क्या था? आप रविदास पे जा रहे हैं, आपके लिए माल की बात है खान साहब। प्रमाणित नहीं हुई है मतीन भाई, गूगल में इतिहास पढ़ा बाबर का कौन था? ये एक सेकेंड, इन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं एक और बिना पढ़े हुए बाहर वार्ता करे तो जजमेंट। सर एक सेकेंड ना, सर एक सेकेंड, मतीन भाई अकबर कौन था? मैं बाबर के बारे में भी तो बात कर लीजिए। क्या वो बाबर इनके पूर्वज से, इनके खिलाफ नहीं बोल सकते? हम अकबर को पूछते हैं, राम जी आप बाबर को पूछते हैं तो यही रहा भैया, आप बाबर को पूछते हैं। अरे एक शब्द बोल दो आक्रमणकारी का, खत्म बात। तिलक जी दोबारा पूछेंगे नहीं कौन था। 1949 को 22 दिसंबर की रात को, 1949 को वहाँ जितेंद्र नागर साहब फाइनल कमेंट आपका ऐसा लोगों ने वहाँ पर ले ऐसे मतीन खान बाबर आपकी नजर में हीरो था? एक सेकंड, आपकी नजर में हीरो था, ठीक है मैं लिख लूं, यही बात कह रहे ना, आपका हीरो था वो बाबर? फिर आप कहते हैं देशद्रोह, बाबर हीरो था ना आपका? अकबर कौन थे? बाबर पूछ रहा हूँ, अकबर कौन थे? मैं पूछ रहा बाबर आपका ना अकबर? मैं पूछ रहा बाबर कौन था? नहीं हम जो पूछ रहे, बाबर हीरो था ना आपका? बाबर आप बाबरी मस्जिद क्लेम कर रहे हो? ओके एक सेकंड, ऑडियो नीचे सबका, ऐसे होगा समझौता? यदि नहीं चाहते तो मध्यस्थता कहाँ होगी? मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है, उनको अपना डिसीजन लेना चाहिए और जो भी डिसीजन आएगा उसका सब लोग सम्मान करेंगे, पूरा देश सम्मान करेगा। ठीक है, 2019 में फिर कहेंगे हमें रामलला हम आएंगे मंदिर में ही बनाएंगे। गुप्ता जी आप वोट मिलेगा इनको? नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिस तरह से लोगों ने ये काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती और बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग समझ चुके हैं कि अगर रामलला के कोई द्रोही है तो भारतीय जनता पार्टी, RSS, उसके सहयोगी संगठन, ये सब द्रोही है राम के। और जो बात ये कह रहे थे कि हम इसके अंदर ये अध्यादेश नहीं ला सकते थे, ये पार्टी नहीं है, ये सरकार है। और इस देश के अंदर अगर अगर कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, सबके बराबर अधिकार है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके शिशिर जी, समय खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सर समय इजाजत नहीं दे रहा आपका, मैंने पूरा स्टेटमेंट लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुद्दा जितना आसान दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में मध्यस्थता के जरिए मंदिर मार्ग सुलझ पाएगा? अब देखते हैं आगे आगे होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।